नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। लखनऊ से है जहां पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर आजमगढ़ से आतंकी को गिरफ्तार किया। इसी क्रम में यूपीएटीएस को सहयोगी एजेंसी से सूचना प्राप्त हुई कि जिला आजमगढ़ में एक व्यक्ति अपने साथियों के माध्यम से ISIS विचारधारा से प्रभावित होकर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है और लोगों को भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ने हेतु प्रेरित कर रहा है। खबर अयोध्या से है जहां आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार आज नवीन मंडी अयोध्या स्थित 63 बटालियन CRPF के जवानों और उसके परिवार बच्चों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज अपने हाथों में तिरंगा लेकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में रैली निकाली। इस रैली में 63 बटालियन CRPF के कुल 500 से अधिक जवान और उनके परिवार साथी बच्चे शामिल हुए। देशभक्ति और देश प्रेम से ओत प्रोत जवानों और उनके परिवार ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित किया। आजादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष मनाया जा रहा है। 75 वर्ष हमारी आजादी के हो चुके हैं। इसके तहत इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और उसके कुछ दिन पहले से ही हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को भारत सरकार और हम लोगों के विभाग के तरफ से ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगा आम लोगों तक पहुँचा सकें। शहर से है जहां त्यागी समाज के लोगों ने सपा प्रवक्ता साजन कुमार के त्यागी समाज को अपमानित करने पर उनका पुतला फूंका। वहीं किसान नेता मांगेराम त्यागी ने कहा कि सपा प्रवक्ता के अपराध पर प्रशासन और सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और उनकी पत्नी और बच्चों पर हो रहा उत्पीड़न तत्काल बंद करे। साथ ही उनका कहना है कि साजन कुमार और सुमित्रा राणा ने टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने त्यागी समाज को अपमानित किया है, जिस पर उन्हें पूरे त्यागी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। सचिकांत त्यागी ने कोई अभद्र भाषा का किसी महिला के साथ प्रयोग किया है तो उसकी जो सजा कानून से देगा वो ठीक है, जहां तक भी वो दोषी है तो देना चाहिए। लेकिन समाजवादी के एक प्रवक्ता ने जो साजन कुमार हैं, अरे कोई एक महिला प्रवक्ता आज सुबह बहस कर रही थी, उन्होंने ये टेलीविज़न के माध्यम से पूरे त्यागी समाज को गाली दी है और उनके सम्मान को रौंदने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि त्यागी तो गुंडे होते हैं और ऐसे तो इस पार्टी में बहुत गुंडे त्यागी भरे पड़े हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद है। इसी क्रम में अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत श्री वार्ष्णेयम महाविद्यालय से हुई। वहीं इस रैली में हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता समेत कई जनप्रतिनिधियों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव जिसमें हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक रहेगा और हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। हम सब उस इतिहास के ऐतिहासिक इस तिरंगा यात्रा के गवाह बन रहे हैं यहाँ पर और देख रहे हैं जिस तरह का युवाओं का जोश, घर घर तिरंगा अभियान जो हमारा 13 से 15 अगस्त तक होना है उसके निमित्त आज 9 अगस्त का ऐतिहासिक दिन है और इस दिन तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग घर घर मोहल्ले में संपर्क अभियान जारी है। खबर मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके से है जहां दिन दहाड़े एक युवती से लूट का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस से युवती ने पूछताछ में बताया कि स्कूटी चलाते समय युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि इस मामले की शिकायत कर दी गई है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी और पुलिस की टीम मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मैं अपनी मासी के घर आ रही थी, मैं अपनी
छोटी बहन के साथ, तो पीछे से कोई लड़का आया, उसने मेरी चैन पीछे से खींच ली और वो एकदम भाग गया। हमने आवाज भी दी थी पर वो रुका नहीं। काहे पे थे लोग? वो बाइक पर था, कितने लोग? अकेला था। यहाँ पर एक चैन की सूचना प्राप्त हुई जिस पर हम लोग जाँच कर आवश्यक विधि कार्रवाई की। अभी जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मानवता की मिसाल पेश करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक गाय अचानक से सड़क किनारे एक नाले में गिर गई, जिसको नाले से निकालने के लिए स्थानीय दुकानदारों ने काफी मशक्कत की लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वहां उपस्थित तो मौलाना ने आसपास के लोगों के इकट्ठा कर बचाव कार्य शुरू किया। वहीं 45 मिनट की मेहनत के बाद गाय को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद वहाँ उपस्थित तो लोगों ने मौलाना की सराहना भी की। चीज़ में नहीं देखा जाता है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब जानवर तो जानवर है, ये नहीं देखता किसी धर्म को या जात को। इसके तो हमेशा हेल्प ही करनी चाहिए और इन नफरत वाली बातों को अलग करना चाहिए। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इधर जैसे नाले में गिरी लापरवाही तो किसकी मानना है? सरकार की लापरवाही है, जो बंद नहीं किए नाले, सब खुले हुए नाले। खबर हरदोई से है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जनपद में मंगलीपुरवा स्थित श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल के सभागार में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रमों के अलावा 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील भी करी और इस मौके पर तिरंगा झंडे का वितरण भी किया गया। पचहत्तर आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाने के लिए पूरी तरीके से पूरे देश में तैयारी चलती है। चूँकि कोई भी कार्यक्रम है उसकी सफलता मीडिया के सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाती है, तो हम लोग जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले हम लोगों ने भी एक संकल्प ले रखा है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाए और इसके लिए सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, सबसे ये अपील की गई है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करें। खबर मैनपुरी से है, जहां दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बुला लिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों पक्षों से जमकर मारपीट की, जिसके बाद एक युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। मैं चौकी गया तो उन्होंने बोला क्यों लड़ाई झगड़ा करता है, मैंने कि हमने साहब को भी नहीं लड़ाई झगड़ा करते, पानी की इज्जत थी तो भाई कि तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन्होंने बोला कि हम तेरे थाने ले जाएंगे, हमें सारी थाने क्या ले जाओगे, हमने कि गरीब बंदे हैं, तो उन्हें कुछ रिक्वेस्ट तो मेरी करी कि कुछ खर्चा पानी करेगा, हमें कर देंगे, तो उन्हें 2000 की रिक्वेस्ट मेरी करी, तो हमें 2000 तो सर जी नहीं हो पाएंगे, 1500 रुपये कर देंगे। वो आपस में भाई भाई लड़ रहे थे पानी के पीछे, तो हैं तो बिन जाके बे मतलब की चौकी पे, चौकी पे तो जाके हमारे आपस में समझौता करते हुए, तो पुलिस वाले ने अप्लीकेशन लिखो, बड़े भैया ने अप्लीकेशन लिखवा, बन गए अमन सिंह यहाँ, फिर उन्हें अप्लीकेशन लिखवाओ, फिर बिन फ़ोन करो, बिन दोनों को यहाँ बुलवाओ, वे छोटे वाले थे सुख एल काम कर रहे थे, बिन दोनों को यहाँ बुलवाओ, बुलवाए थे यहाँ, उन्होंने रिश्वत मांगी पैसे। दशरथ द्वारा फांसी लगा कर आत्महत्या की, सुबह पुलिस को सूचना दिया गया और उसके दौरान यह भी बताया गया कि पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया। संपूर्ण पहलुओं की गहराई से छानबीन की जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक के परिजनों से भी वार्ता हो गई है। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में मछुआरे समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी बात को शायराना अंदाज में कहते हुए उन्होंने समझाया कि समुन्द्र में भले ही पानी अपार है, परंतु सच तो यही है कि वो नदियों का उधार है।
आज मैं अपने समाज को बधाई दूंगा और समाज ने हमें जो जांचा और परखा है, हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं उन्हें आज आपके माध्यम से उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो उनका बेटा सड़क पर संघर्ष कर रहा था, वकालत कर रहा था, कभी आपके माध्यम से संघर्ष इसीलिए कर रहा था कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं वो आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को सरकार के कानों तक जाए और उस पर विचार विमर्श करें, तो आज उसके उस लायक बनाया कि उनका बेटा आज सड़क से सदन पर वकालत कर रहा, चाहे वो प्रोटोकॉल तोड़कर हो, चाहे वो राज्यपाल के अभिभाषण पर हो, चाहे वो बजट भाषण में हो, मैं इनके मुद्दे को उठाता रहा हूँ। और आज दोनों सदनों के अलावा नहीं, आज के दिन में केंद्र के जो सदन है वहाँ भी इनके वकील मौजूद हैं, आज चारों सदनों में इनके वकील पहुँचा दिया हूँ। सार भारत में मुहर्रम का महीना 31 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था और इसके 10वें दिन यानी कि 9 अगस्त को आशूरा है, जिसे मुस्लिम समुदाय में मातम का दिन भी कहा जाता है। वहीं आज देश में धूमधाम से मुहर्रम मनाया गया और प्रदेश के कुछ जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमेठी, गाजियाबाद, गोंडा और लखीमपुर में किस तरह से आज मुहर्रम मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से हर घर तिरंगा फहराने को लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा से सपा विधायक सैयद खातून ने अपने पार्टी कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा फहराया। हमारे पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को आदेश दिया था कि आज 9 तारीख है, 9 तारीख से सब हर कार्यकर्ता के घर पे झंडा लगना चाहिए और हम लोग उसी को उसी क्रम में सब सारे काम कर रहे हैं। अपने एक एक कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि झंडा अपने अपने घरों पे लगाएं और जितने समाजवादी के लोग हैं सारे लोग अपने अपने घरों पर आज से झंडा लगाना शुरू करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर के खिरनीबाग में स्थित शहीद स्तंभ पर अमृत महोत्सव का हिस्सा बनते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने एसपी एस आनंद को 1001 तिरंगे झंडे भेंट किए हैं। प्रशासन द्वारा सभी विभागों के लिए जो 11 अगस्त से 17 अगस्त तक जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का 75वें सालगिरह पे, उसके लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें से घर घर तिरंगा और इसके अलावा तिरंगा यात्रा और इसके अलावा जो मार्च पास्ट है तिरंगे के साथ में, इत्यादि तमाम कार्यक्रम हैं। पुलिस लाइन्स में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, पुलिस लाइन के बच्चों द्वारा और उनके अभिभावकों द्वारा भी उसमें प्रतिभाग किया जाएगा। इस सिलसिले में आज व्यापार मंडल द्वारा हम लोगों को 1001 झंडे आज दिए गए हैं इसी अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में, जिनका सदुपयोग हम लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान करेंगे। बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय ने आरएसएस और भाजपा पर जमकर प्रहार किया। राजीव राय ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम समाजवादी लोगों का इतिहास तिरंगे के साथ है, 130 करोड़ लोगों के दिल में तिरंगा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस आजादी के बाद भी अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया। जिन लोगों ने 26 जनवरी 2001 में नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराने के जुर्म में 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वो लोग देश से माफी कब मांगेंगे? पहले माफी मांगो फिर तिरंगे की बात करना। तिरंगा तो हमारा इतिहास ही तिरंगे के साथ, हम लोगों का समाजवादियों का इतिहास तिरंगे के साथ है। सवाल ये नहीं कि अखिलेश यादव जी कर रहे हैं या हम सारे लोग कर रहे हैं, 130 करोड़ लोगों के दिलों में तिरंगा है। सवाल ये है कि जिन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, जिन लोगों ने आज 9 अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिन लोगों ने आज़ादी के 52 साल बाद तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया, जिन लोगों ने 26 जनवरी 2001 को 3 नौजवानों द्वारा नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराने के जुर्म में एफआईआर करके जेल भेज दिया, उन लोग देश से माफी कब मांगेंगे? मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि दिल पे हाथ रखकर देश से माफी मांग लो, फिर तिरंगे की बात करना। देवरिया में केंद्र सरकार
सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर देवरिया के जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नत अभियंताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम संशोधन विधायक 2022 जो कि निश्चित रूप से ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने वाला, एक उपभोक्ताओं और किसानों को महंगी बिजली प्रदान करने वाला है, संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। संगठन के जनपद अध्यक्ष ई शशांक चौबे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से बयान देते हुए कहा गया कि इस विधेयक को जल्दबाजी में संसद में पारित न कराया जाए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।